नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कुमार मनीष। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से एक कंपनी जो व्यापार करने आई और धीरे धीरे अपना सत्ता काबिज करते चली गई। अपने भारत में मुगल शासन का एक लंबा दौर चला, 20 अप्रैल 1526 से 21 सितंबर 1857 तक। लगभग 350 साल भारत में रहने के बावजूद भी राज व्यवस्था का निर्माण करने में असफल रहे। भारत की कला, साहित्य, स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना मुगल शासन के काल में बनवाए गए किले भारत के धरोहरों के साक्ष्य स्वरूप हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चले, इसके लिए उस देश में संविधान का होना अति आवश्यक है। संविधान न होने की दशा में विश्व में उस देश की छवि, उस देश की व्यवस्था, आम जनमानस के अधिकार सबके सब लचर और जर्जर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अफगानिस्तान में हो रहे जुल्मों को देख सकते हैं। यदि आतंक मचाने वाले लोग सत्ता की बागडोर संभालने लगे तो आम जनमानस के हितों के बारे में कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। किसी भी देश का संविधान उस मजबूत बांध की तरह होता है जो किसी भी मतवाली नदी की धारा को एक दिशा और दशा प्रदान करता है। इस भाग में हम देखेंगे कि भारतीय राज व्यवस्था का निर्माण किस तरह से हुआ, क्या क्या बदलाव साल दर साल होते हैं, एक कंपनी ने अपना सत्ता कैसे कायम किया, हालांकि इसे भी आगे चल के हटा दिया गया। ब्रिटिश रूल दो भागों में वर्गीकृत है, कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला और क्राउन रूल 1858 से आज़ादी तक। जब कंपनी भारत में अपना पैर पसारने लगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। यदि आप रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ा है आपने, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फर्स्ट स्टेप इज नॉट द लास्ट स्टेप। फिर क्या खामियां इसमें भी थी। रेगुलेटिंग एक्ट सेंट्रलाइजेशन का शुरुआत था, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया था। 10 साल बाद सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन दिनों विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर थे। पिट्स इंडिया एक्ट इनके ही नाम पे है। देखिए, ई का किए अपने 6 चेलों को लेते आए और बोले कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो तुम्हारा बहुत हो गया, अब यहाँ हम राजनीति करेंगे, तुम जो है बहुत उद्दम मचा लिए। पिट्स इंडिया एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पहली बार गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी, जिसमें ये बोला गया कि भाई देखो तुम जो है गल्ला संभालो, कॉमर्शियल अफेयर्स इनको दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पार्लियामेंट के अंडर में था, जिसका कमान ब्रिटिश पार्लियामेंट में था। आज हम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं उसकी नींव यहीं से पड़ी है। ई का बोले, देखो भारत में जो भी कुछ हो रहा है उसको सुपरवाइज भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। हुआ कुछ यूं, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल एंड मिलिट्री, रेवेन्यू सबको अपने अंडर में ले लिए। अब तक हुआ क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले और आने के बाद लड़ाइयाँ चलती रहीं, लड़ाइयाँ थमी नहीं। पहले भारत में अलग अलग प्रांतों में अगर कोई राजा आपस में लड़ाई करता था तो ये हस्तक्षेप नहीं करते थे, बोलते थे जाओ ससुराल लड़ो, मरो, हमको क्या, हमको तो बस धन दौलत चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, कई राजा महाराजा इनके विरुद्ध होते गए, फिर क्या ये भी लड़ाई में सीधे तौर पे शामिल होने लगे। ये युद्धों को जीतते जाते और कब्जा करते जाते। इसका कारण क्या था, इसका कारण था भारतीय राजाओं का आपसी मतभेद। ये सब जान गए थे कि भारतीय राजा अगर किसी तरह से एक हो गए तो यहाँ राज नहीं कर पाएंगे, तो ये सब दूसरा तरीका अपना लिए, फूट डालो और राज करो, जो काफ़ी हद तक सफल रहा। पिट्स इंडिया एक्ट में बस यही पॉइंट महत्वपूर्ण है कि पहले कंपनी का एकावट राज था, जिसको तोड़ के दो भागों में बांट दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कॉमर्शियल अफेयर्स देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें 6 मेंबर थे ये पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करते थे। अब चलते हैं अगले एक्ट में, 1786 में। अभी 2 ही साल हुआ था तब तक एक और चार्टर आ गया। हुआ ये कि भारत की कंपनी के खिलाफ लड़ाइयाँ धीरे धीरे तेज हो रही थी। लॉर्ड कार्नवालिस जो ब्रिटिश के चहेते थे, ये सेना से बिलोंग करते थे, यही सोच के इन्हें भारत भेज दिया गया। ये भी अपने शर्तों को मनवा के आए थे भारत। आज की जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है,
हालांकि इसकी फाउंडेशन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में पड़ी थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया। ये बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल थे, ध्यान दीजिएगा, बंगाल की बात कर रहा हूँ, बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल थे। अभी इंडिया की बात आगे आएगी। सन 1793 में इसी कड़ी में अगला एक्ट है, चार्टर एक्ट सन 1793। लॉर्ड कार्नवालिस जो पहले ही इसी शर्त पे भारत आया कि पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल्स, मतलब यदि इसके काउंसिल कोई डिसीजन लिए तो उसको निरस्त कर सके, और दूसरा उसे यहाँ पर कमांडर इन चीफ बनाया जाए। इसी को देखते हुए चार्टर एक्ट 1793 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज पर और ज़्यादा पावर और कंट्रोल दे दिया गया। ट्रेड मोनोपोली मतलब कि व्यवसाय में एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था, उसे क्या किया गया, 20 साल के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ये 1793 में किया जा रहा है। अगला एक्ट है 1813। चूँकि पिछले एक्ट में कहा गया था कि 20 साल एक्सटेंड किया जा रहा है, तो 20 साल बाद 1813 में, पिछला एक्ट था सन 1793, उसमें कुछ और संशोधन किया गया। चार्टर एक्ट 1813 में बहुत ढेर सारे बदलाव किए गए, जैसे ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी ब्रिटेन से परमिशन लेके व्यापार कर रहे, तब से लेके अब तक मतलब कि 1600 से लेके 1813 तक इनका एकाधिकार रहता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर भी छीनी जा रही है। सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाके इनके हाथ में गल्ला थमा दिए सब, कि लो बेटा संभालो इसे, बाकियों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, राजनीति से ऊपर कुछ भी नहीं है, राज व्यवस्था की जड़ है राजनीति। ये बड़े बड़ों को घुटने टेकवा देती है। राजनीति के मतलब सत्ता, और सत्ता जिसके हाथ में उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। नियम कानून बनाएंगे भी यही और बिगाड़ेंगे भी यही। याद होगा आपको, सन 1784 से ही राजनीति भारत में दखल दे चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके समकक्ष या उससे ऊपर कैसे हो सकती है जो आई ही थी राजनीति से परमिशन लेके। व्यापार से एकाधिकार मतलब ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया, लेकिन अभी भी चाय और चीन से व्यापार में मोनोपोली बरकरार थी। और इस एक्ट में भी पिछले एक्ट की तरह 20 साल के लिए और ज़्यादा एक्सटेंशन दे दिया गया। मतलब कि सन 1793 में 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी यहाँ पे व्यापार करेगी। हालांकि 1813 में जाकर के इसमें मोनोपोली को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन से व्यापार की मोनोपोली को नहीं बर्खास्त किया गया। अब देखेंगे कि 20 साल बाद यानी कि 1813 के बाद जो एक्ट आएगा उसमें क्या होगा। देखिए, राजनीति किसी पे एकाएक हावी नहीं होती है, धीरे धीरे करके अपना असर दिखाती है। पहले पावर छीने और अब कंपनी की जो अपनी टेरिटोरी थी उसको भी हथिया लिए, बोले कि ये बेटा देखो ब्रिटिश क्राउन का इस पे राज चलेगा। इंडिया वाज रिच सोर्स ऑफ स्पाइसेस एट दैट टाइम। फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों की आवश्यकता बढ़ने लगी, जो उन दिनों भारत में नहीं थी। ईसाइयों को यहाँ आने की अनुमति दे दी गई, और ईसाई गिरी चलाने को भी, मतलब कि प्रचार प्रसार करने के लिए। पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के रहते 1,00,000 रुपये दिए गए यहाँ के भारतीयों को पढ़ाई पे खर्च करने के लिए, और यहीं से शुरू होती है अंग्रेजी शिक्षा। वैसे हम भारतीय लोगों को एक आध दो पैग लगाने के बाद तो ऐसे अंग्रेज बन जाते हैं, बाकी अंग्रेजी की का जरूरत। इस एक्ट में यह भी कहा गया कि देखो भैया, अब से जो है हम यहाँ टैक्स लगाएंगे, और जो टैक्स नहीं देगा उसके सुताई भी करेंगे। आपको बताते चले कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, इसको राजा राम मोहन राय एंड डेविड हेयर ने बनवाया था। साथ ही साथ 3 संस्कृत कॉलेजों की भी स्थापना हुई, दिल्ली, कलकत्ता और आगरा। ये रही चार्टर एक्ट 1813 की लेखा जोखा। अब हम फिर मिलेंगे 20 साल बाद अपने अगले चार्टर एक्ट